नमस्कार, मैं वार्ता में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव के बाद लगा था कि असहिष्णुता का मुद्दा ठंडा पड़ गया है, लेकिन आमिर खान के बयान ने एक बार इसे फिर गर्मा दिया है। क्या आमिर का बयान जयदीप जी एक सुनियोजित मानते हैं क्या इसको? मैं इसको सुनियोजित तो नहीं मानूंगा, लेकिन गैर जरूरी जरूर मानूंगा। मैं ये मानूंगा कि इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। देखिए, आमिर खान की छवि एक बहुत संजीदा कलाकार की है। आमिर खान दरअसल बहुत सारे हिंदुस्तानियों के दिलों पर इसलिए भी राज करते हैं कि वो एक आम कलाकार के रूप में इस देश में अपना स्थान नहीं बनाया। उन्होंने जब लगान जैसी फिल्में की हैं, तारे जमीन पर जैसी फिल्में की हैं, सत्यमेव जयते जैसे टीवी सीरियल लेकर आए हैं, तो वो व्यक्ति जो पुरस्कार लेने से मना करता है क्योंकि वो पुरस्कारों की चूहा दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, तो एक कयामत से कयामत तक का चॉकलेटी हीरो आमिर खान आज लगान के भुवन तक जो पहुंचा है, वो इस हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करके पहुंचा है। उन्होंने अपने आप को जिस सांचे में ढाला है कि वो साल में केवल एक फिल्म करेंगे, लेकिन अच्छी फिल्म करेंगे, उस फिल्म पर मेहनत करेंगे। अभी वो दंगल फिल्म लेके आ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने वजन बढ़ाया है, पहलवानी सीखी है, तो उनकी इस कला के सब कायल हैं। और जहां तक कला की बात होती है, कला धर्म मजहब देश की सीमाओं से परे होती है। उस स्थान को बनाए रखना लेकिन कलाकार के हाथ में होता है। जब कलाकार उस ऊंचे पायदान से नीचे आकर, देखिए कलाकार भी आखिर इंसान है, उसकी भावनाएं होती हैं। हो सकता है कि उनकी पत्नी जो किरण राव खान है, उन्होंने किसी विशेष संदर्भ में कोई बात उनसे कही हो। मुझे लगता है कि उसको इस तरह किसी मीडिया के कार्यक्रम में, खासतौर पर अब जब देश में असहिष्णुता को लेकर इतनी बड़ी बहस चल रही है, तो उनको शायद नहीं कहना चाहिए था, कहने से बचना चाहिए था। मैं मानता हूं कि उन्होंने ऐसा कहकर अपनी उस छवि को और अपने उन प्रशंसकों के दिलों को जरूर तोड़ा है। तो ज्यादा अच्छा नहीं होता कि आमिर खान का यह बयान तब आता कि जब मुंबई में 26/11 हुआ या उससे पहले ट्रेनों में धमाके हुए? देखिए, हम आमिर खान को एक ऐसे कलाकार के रूप में निश्चित तौर पर जानते हैं जो केवल कला तक सीमित नहीं है। वो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए भी जाकर मेधा पाटकर के साथ खड़े होते हैं, वो अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के मंच पर भी जाते हैं। तो जो कलाकार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता है, वो केवल टेलीविजन के पर्दे से या थिएटर से अपने आप को नहीं बांधता है, वो उनके परे जाकर अपनी बात कहता है। तो ये बात आपकी सही है कि उनको जो दूसरे बड़े, देखिए अभी देश में बहस किस बात की चल रही है, ये कोई नहीं कह रहा है कि देश में धार्मिक कट्टरवाद नहीं है, ऐसी ताकतें नहीं है। हमारे पास एक तरफ वो मौलाना हैं जो फतवे जारी करते हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं जो बांटने वाली बातें करते हैं, हमारे पास गिरिराज सिंह जैसे सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, साध्वी प्राची जैसे भी लोग हैं, लेकिन क्या ये हमारे हिंदुस्तान के समूचे समाज का या समूचे हिंदू समुदाय का या समूचे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये लोग कतई नहीं करते हैं। और अगर आमिर खान जैसे लोग, रहमान जैसे लोग अपने ऊंचे धरातल से नीचे आकर जो बातें कट्टरवादी लोगों द्वारा, आज यार रहमान का भी बयान आया है, वो भी कह रहे हैं मुझे दो चार होना पड़ा। देखिए, ये कहानियां किससे लगातार सामने आती रही हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जब किसी ऐसी सोसाइटी में गया जहां पर हिंदुओं की बहुलता है, तो उसको वहां फ्लैट नहीं मिला, लेकिन ये उस फ्लैट के लोगों की, वहां की सोसाइटी के लोगों की, वहां रहने वाले कुछ छोटी सोच के लोगों की मानसिकता हो सकती है। ऐसे ही कोई हिंदू व्यक्ति जब किसी मुस्लिम बहुल इलाके में गया होगा, उसको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद हिंदुस्तान ने एक सह अस्तित्व का वातावरण कायम किया है। और अगर आप इन उदाहरणों को समूचा देश मानकर सबके सामने इतना बड़ा करके प्रस्तुत कर देंगे, तो आप भय का माहौल जो पहले से उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम करने की बजाय। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आमिर खान डर नहीं रहे बल्कि देश को डरा रहे हैं। मैं बात से सहमत हूं। देखिए, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से हैं और इस वजह से ये कह रहे हैं, और मुसलमान होने के बावजूद कह रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमको समझना यह जरूरी है कि जो देश में अलग अलग छोटे छोटे उदाहरण हैं, जो चिंगारियां बिखरी पड़ी, जो मैं पहले से कह रहा हूं, उनको मिलाकर शोला बनाने की और आग को भड़काने की जरूरत है इन पर? मेरी सबसे बड़ी जो नाराजी है इस तरह की ताकतों से, वो ये है, वो कह रहे हैं जैसे आमिर खान ने कहा 6-8 महीने में, इसका मतलब 6-8 महीने में ज्यादा से ज्यादा इस देश में क्या बदला है कि एक नई सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक गैर कांग्रेसी दल को संपूर्ण बहुमत इस तरीके से मिला हो। तो आप उस राजनीतिक धरातल पर खड़े होकर अगर ये कह रहे हैं कि केवल एक पार्टी के आने से इस देश का माहौल बदल गया है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं, और ये तमाम हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं है जो सोशल मीडिया पर लगातार इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उनको इस बात को समझना होगा, मुखालिफत आमिर खान की नहीं है, मुखालिफत शाहरुख खान की नहीं है, मुखालिफत उन पुरस्कार वापस करने वालों की नहीं है जो लगातार कह रहे हैं कि देश में, मुखालिफत इस बात की है कि आपका ये विरोध समाज के, धर्म के धरातल पर खड़े होकर है या राजनीति के धरातल। अगर आपको लगता है केवल एक दल के आ जाने से देश असहिष्णु हो गया है, तो देश की जनता मानने को तैयार नहीं है,
देश की जनता का यह मानना है कि देश में कुछ कट्टरवाद के उदाहरण शुरू से रहे हैं, इस देश में बड़े बड़े दंगे भी हुए हैं, पर उन दंगों की जमीन पर भी उन तमाम सियासतदानों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद भी उस दंगों की जमीन पर भी प्यार की मोहब्बत की फसलें लहलाई हैं। हमने तमाम दंगों के बीच भी गले मिलकर एक दूसरे के साथ ईद और होली दिवाली मनाना सीखा है और हम उसी परंपरा को उसी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब आप बार बार उसी एक उदाहरण को सामने लाकर देश की ताकतों पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक जो आपके विरोध हैं उनको पूरे देश की शक्ल पहनाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश में जो नाराजगी उभर रही है वो समझी जा सकती है। ऐसा नहीं लगता कि मीडिया का एक वर्ग ऐसे मुद्दों को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है? ये भी सही है, लेकिन देखिए मैं खास तौर पे आमिर खान वाले मामले में कहना चाहूंगा कि आमिर खान इस देश के एक बहुत कद्दावर कलाकार हैं। आमिर खान और शाहरुख खान जैसे लोगों पर इस देश ने अपनी मोहब्बत लुटाई है, और जब इस तरह के आइकॉन, इस तरह के प्रतीक कोई बात कहते हैं तो फिर मीडिया उससे अछूता नहीं रह सकता। इसके पहले जो अवार्ड वापसी और उसको लेकर मीडिया ने बहुत सारी लगातार बौद्धिक जुगालियां की है, मैं मानता हूं उसमें से कुछ गैर जरूरी थी, उसको इस पैमाने पर बहस को नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि अगर आमिर खान जैसा कलाकार रामनाथ गोयनका जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में मंच से कोई बात कह रहा है तो उसको फिर आप नकार भी नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि जब कोई बड़ा कलाकार शाहरुख खान या आमिर खान जैसा कलाकार जो लोगों के दिलों पर राज करता है, और देश ने हमेशा व्यक्तिवाद को पूजा है, हीरोइज्म इस देश की, और हीरोइज्म केवल यहाँ पर हमारे यहाँ बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में भी है, लेकिन दीवानगी के अलग अलग पैमाने हैं। हिंदुस्तान में कलाकारों के मंदिर भी बनाए जाते हैं, उनको देवता मानकर पूजा जाता है, और जब देवता समान पूजे जाने वाले ये कलाकार कोई बात कहते हैं, देखिए आखिर आज उनसे साबुन तेल शैम्पू क्यों बिकवाया जाता है? इसलिए बिकवाया जाता है ना कि उनकी बात लोग मानते हैं। तो जब वो ये कहेंगे कि देश में सहिष्णुता है तो उनकी बात लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? और अगर आमिर खान देश को ये कह के डरा रहे हैं कि हमें इस देश को, मतलब उन्होंने खासतौर पे जो बात कही है हो सकता है कि उसका संदर्भ अलग हो, लेकिन जब आप इतने बड़े कलाकार हैं और मंच पे बैठे हैं तो आपको बहुत संभल कर अपनी बात रखनी चाहिए। आपकी पति पत्नी की आपस में जो बात हुई हो सकता है कि उसके संदर्भ इतने भयावह, इतने डरावने, इतने गहरे नहीं हो जैसा कि देश में अर्थ निकाला जा रहा है, और उनके ऊपर जो व्यक्तिगत आक्रमण हो रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ हूं, लेकिन आप जब सार्वजनिक मंच पर हैं, सार्वजनिक बात कह रहे हैं, तो इस तरह के आक्रमणों से आप बच भी नहीं सकते। उनको थोड़ी और जवाबदेही का परिचय देना था, बल्कि उनको यह कहना था कि बहस चल रही है, मैंने भी इसको भोगा है, मेरे घर में भी इसको लेकर चिंताएं हुई हैं, फिर भी मैं इस राष्ट्र के साथ खड़ा हूं, मैं इस राष्ट्र की सहिष्णुता में, इस राष्ट्र की धार्मिक परंपराओं में विश्वास करता हूं। अगर वो इस तरह का बयान देते तो मुझे लगता कि उनकी जो इज्जत है उनके चाहने वालों के दिलों में वो ज्यादा बढ़ती, बजाय कि उन पे जिस तरह की छींटाकशी हो रही है उसके। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे आमिर के बयान पर विवाद की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।